नमस्ते दोस्तों, मल में अगर चिपचिपापन होता है तो उसका बुरा असर आपके आंतों पर भी होता है और टॉयलेट की जगह पर भी हो सकता है। इससे बहुत सारी पेट की बीमारियां हो सकती है। इस मल के चिकनापन को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसका वीडियो हमने पहले शेयर किया था। अभी तक आपने देखा नहीं तो ज़रूर उसको देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। और आज के वीडियो का टाइटल है कि ये 5 चीज़ें करो और मल का चिकनापन दूर करो। परमानेंटली आपको ये मल का चिकनापन दूर करना है तो इसमें जो 5वां उपाय बताया है उसमें जो मेडिसिन है वो डेफिनेटली आपकी पेट की सारी समस्या दूर कर देगी और उसी उपाय से आपका जो मल है वो अच्छी तरह से बंधा हुआ आएगा, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग भी आपको देगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपके स्टिकी स्टूल में फायदा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। मल में अगर चिकनापन होता है यानी कि स्टिकी स्टूल होता है तो उसके लिए हमें कौन सी 5 चीज़ें अपनानी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से स्टिकी स्टूल हो सकता है। इसमें सबसे पहला रीज़न होता है पुअर डाइजेशन। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अभ्यवरण शक्ति वो होती है कि कितना हम खाना खा सकते हैं और जरन शक्ति वो कहलाती है कि कितना खाना हम पचा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग उनके टंग के टेस्ट को बढ़ावा देते हुए और उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर खाना खाते हैं तो वो डेफिनेटली अभ्यवरण शक्ति का इस्तेमाल करके ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं और इसी प्रकार से ज़्यादा मात्रा में से जो खाना खाया जाता है उसका डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। उस प्रॉब्लम के वजह से उनका पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगता है और आहिस्ते आहिस्ते उसका बुरा असर उनके इंटेस्टाइन के ऊपर होने लगता है। इंटेस्टाइन के जूसेस जो होते हैं वो इररेगुलर हो जाते हैं, इसीलिए उनको जो मल है उसमें चिकनापन आने लगता है। और इस प्रकार से मल में अगर चिकनापन एक बार शुरू हो गया तो वो आपकी पाचन शक्ति को और भी कमजोर करने लगता है। इसमें दूसरा कारण होता है पानी का कम पीना। हमें पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलने के लिए कम से कम 2.5 टू 3.5 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और उतना पर्याप्त मात्रा में अगर हम पानी नहीं पीते तो उसका मैसेज डायरेक्टली हमारे किडनी के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर चला जाता है और मल में जितना भी वाटर कंटेंट होता है उसका फिर से रीएब्जॉर्प्शन होना चालू हो जाता है। कभी कभी मल में फिर से वाटर सिक्रेशन भी होना चालू हो जाता है। इससे मल का गाढ़ा होना या चिकनापन होना ये डिपेंड करता है। तो अगर आप पानी कम मात्रा में पीते हो तो उसके वजह से हमारा शरीर में डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग प्रोड्यूस हो जाती है जिससे कि वाटर बैलेंस जो है वो इररेगुलर होने लगता है और मल में स्टिकीनेस आने लगता है। इसमें तीसरा कारण होता है अल्कोहल और कैफीन का सेवन करना। बहुत सारे लोग काम के वजह से बहुत सारे बिजी रहते हैं और बिजी रहने के बाद एन्जॉयमेंट के लिए वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, या बहुत सारे लोग चाय और कॉफ़ी के शौकीन होते हैं तो वो चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो बिवरेजेस होता है, ये बिवरेजेस हमारे इंटेस्टाइन के तरफ जाने के बाद इनके डाइजेशन के वजह से हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर काफ़ी बुरा असर होता है और उसी वजह से इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो कमजोर होने लगती है और इसी अल्कोहल और कैफीन के वजह से जो मल है उसमें काफी चिकनापन आने लगता है। इसमें चौथा कारण होता है एब्डोमिनल गैसेस। अगर आपको पहले से ही एसिडिटी की समस्या है या गैसेस का प्रॉब्लम आपके शरीर में बना हुआ रहता है तो इन्हीं गैसेस के वजह से इंटेस्टाइन के जो कुछ पोर्शंस होते हैं वो गैस से लॉक हुए रहते हैं जिससे कि स्टूल का जो मूवमेंट होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता और यही गैसेस के वजह से मल में इंटेस्टाइनल जूसेस ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लगते हैं जिससे कि मल में चिपचिपापन आने लगता है। जब भी हम मोशन पास करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे समय पर गैस ही ज्यादा मात्रा में निकलता है और मल अच्छी तरह से बंधा हुआ न होने के वजह से उसमें स्टिकीनेस आने लगता है और उसी प्रकार से वो बाहर निकलने लगता है। इन्हीं गैसेस के प्रॉब्लम के वजह से हमारा जो पेट साफ होने का जो समाधान होता है, वो जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती है, वो फीलिंग बहुत से लोगों को नहीं आ पाती और उन्हीं स्टिकीनेस के वजह से, ये गैसेस प्रॉब्लम के वजह से उनमें उन लोगों को लगभग दिन में 2 से 4 बार भी मोशन के लिए जाना पड़ता है।
इसमें पांचवा रीजन होता है मेंटल स्ट्रेस। बहुत सारे लोगों को स्टिकी स्टूल का प्रॉब्लम काफी दिनों के होने के वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। उनको ऐसे लगने लगता है कि जब भी मैं किसी काम के वजह से अगर बाहर जाता हूँ और उधर मुझे मोशन आ जाए तो उस टाइम पे मैं खुद को कैसे मैनेज कर लूंगा, क्योंकि ये जो स्टिकी स्टूल होता है वो इजीली कंट्रोल नहीं हो पाता और वो लीक भी होने लगता है। बहुत सारे लोगों को दिन में 4 से 5 बार जाने के वजह से उनके पेट में भी हल्का हल्का दर्द होते ही रहता है। और मुझे पेट की समस्या है, मुझे कॉन्स्टिपेशन, या मुझे बार बार टॉयलेट को जाना पड़ता है, मुझे मल में चिकनापन आता है, इन सब बातों के वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होने लगता है और इसी बात का वो स्ट्रेस लेते हैं और एक विशियस साइकिल उनके शरीर में चलता रहता है। विशियस साइकिल ये होता है कि मेंटल स्ट्रेस के वजह से उनके मल में स्टिकीनेस है और इसी मल स्टिकीनेस का वो स्ट्रेस लेते हैं और फिर से मल में स्टिकीनेस आना, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 5 उपाय हमें अपनाने चाहिए कि जिससे आपका स्टिकी स्टूल जो है वो परमानेंटली दूर हो जाए। इसमें सबसे पहला उपाय है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। हमें दिन में कितना एक्टिविटी करना है, कौन से क्लाइमेट में है, हम कौन से एज ग्रुप में है और किस प्रकार का हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए इसका मात्रा डिसाइड कर लेना चाहिए। लगभग ऑन एन एवरेज अगर 60-70 kg वाला व्यक्ति है और वो बाहर जाके कुछ काम करता ही रहता है तो ऐसे समय पर उनको 2.5 to 3.5 liter तक पानी पीना चाहिए। दिन में अगर हम ये पानी पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो उसका सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस को अच्छी तरह से जाता है, जिससे कि इंटेस्टाइनल जूसेस कितनी मात्रा में सिक्रेट होने चाहिए इसका क्वांटिटी डिसाइड होने लगता है। अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते तो मल में ये वाटर रिटेंशन करना या मल से वाटर को फिर से एब्जॉर्ब करना, ये सारी चीजें डिपेंड होती है। तो अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीने लगोगे तो डेफिनेटली आपका स्टिकी स्टूल का जो प्रॉब्लम है ये परमानेंटली दूर हो जाएगा। इसमें दूसरा उपाय होता है प्राकृतिक आहार। हमें दिन भर के खाने में या भोजन में प्राकृतिक आहार रखना चाहिए। प्राकृतिक आहार मतलब क्या कि जो चीज़ें जैसी है उनको उसी माध्यम में या उसी रूप में हमें खाना चाहिए। जैसे कि इंडियन फूड में बेसिकली जो थाली होती है उसमें क्या होती है, दाल होती है, रोटी होती है, सब्जी होती है और राइस होता है। तो ये जो रोटी है यानी कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी या नाचनी, जो भी हम अनाज खाते हैं उनको उनके फॉर्म में खाना चाहिए, ना कि गेहूँ का बनाया हुआ ब्रेड, गेहूं की बनाई हुई मैगी, गेहूं का बनाया हुआ पास्ता। ये जो प्रोसेस फूड होता है, अगर हम इस प्रोसेस फूड की तरफ फैसिनेट बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनका टेस्ट बदल जाता है, उन वो जो डिशेस होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। बेसिकली जो यंग जनरेशन होती है वो ऐसा खाना पसंद करती है जो कि प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है लेकिन वो प्रोसेस फूड है, और वो प्रोसेस्ड होने के वजह से उनमें से न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। वो बस हमारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने का काम करती है, लेकिन हम बहुत हावी हो जाते हैं ऐसे फूड की तरफ, हम जल्दी अफेक्शन कर लेते हैं और ऐसे ही खाना हम पसंद करते हैं, और इसी खाने के वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट्स, ऑयल्स और काफ़ी अनावश्यक घटक हमारे शरीर में चले जाते हैं और उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे लीवर को, इंटेस्टाइन को, किडनी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम करना पड़ता है, जिससे कि स्टूल का जो कंपोजिशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और ये कंपोजिशन अगर चेंज हो जाता है तो उसी वजह से आपको हो सकता है स्टिकी स्टूल। आपको स्टिकी स्टूल अगर परमानेंटली दूर करना है तो आपके खाने में, दिन भर के भोजन में आपको प्राकृतिक आहार रखना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध और सात्विक आहार अगर हम रेगुलरली लेते हैं तो मल का चिकनापन आपको कितना से भी कितना पुराना होगा तो विदाउट एनी मेडिसिन आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें तीसरा उपाय होता है उपजाऊ तेलों का प्रयोग। अगर हमें स्टिकी स्टूल परमानेंटली दूर करना है ना दोस्तों, तो हमें उपजाऊ तेलों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग हम सनफ्लावर ऑयल का यूज़ करते हैं और इसी सनफ्लावर ऑयल के यूज़ के वजह से बेसिकली ये जो ऑयल होता है ये रिफाइंड हो जाता है, ये काफ़ी प्रोसेस्ड हो जाता है, जिस वजह से उनका जो एंड प्रोडक्ट जब हमारे शरीर में रिलीज होता है तो वो एक चिपचिप का पदार्थ रिलीज होने लगता है और उसी प्रॉब्लम के वजह से हमारे मल में चिकनापन आने लगता है। तो आप अगर आपके दिन भर के भोजन में उपजाऊ तेलों का प्रयोग करोगे, बेसिकली ऐसे तेल कि जो कच्ची घानी से निकाले हुए तेल होते हैं, जैसे कि शेंगदाना का तेल होता है,
हैं, उसके साथ साथ हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अनप्रोसेस्ड ऑयल होते हैं, जब हम इनका प्रयोग हमारे भोजन में करते हैं पकाते समय, तो उनसे रिलीज होने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे शरीर को हार्म नहीं कर पाते, और उसी प्रॉब्लम के वजह से या उन्हीं तेलों के वजह से हमारे जो मल में चिकनापन है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगता है। डाइजेशन होते समय हमारा शरीर ज़्यादा मात्रा में इंटेस्टाइनल जूसेस नहीं बनाता है, और वो जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी रेगुलराइज हो जाता है। इसी तेलों के प्रयोग की वजह से आपके स्टूल के ऊपर तो आपको प्रभाव दिखेगा ही, उसके साथ साथ आपके ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, आपके शरीर में मोटापा है, या फिर आपको बहुत सारी एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में भी आपको इसमें फ़र्क महसूस होने लगेगा। स्टिकी स्टूल आपको दूर करना है तो आपके शरीर में जाने वाला हर वो ग्रीजी सब्सटेंस आपको दूर करना है। इसमें चौथा उपाय होता है प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर हमें स्टिकी स्टूल दूर करना है तो हमें रेगुलरली फिजिकल कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिजिकली इनएक्टिव है, हम खाना खाते हैं, एक जगह पर बैठे रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो तो सुबह आपने 9 बजे लॉगिन कर दिया तो शाम के 6 बजे तक आप उसी चेयर में बैठे हुए रहते हो। अगर आप किसी बैंक में किसी ऑफिस में काम करते हो तो कंटिन्यूसली 4-5 आवर्स हम उसी जगह पर बैठे हुए रहते हैं। बाकायदा हम टाइम टू टाइम खाना भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा खाना हमारे शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। उसका कारण है इनएक्टिव फिजिकल लाइफ। आपको आपके लाइफ में एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए। बेसिकली आपने जो भी बेसिक जो एक्सरसाइजेस होती है, लूजनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या वॉकिंग रनिंग जॉगिंग साइकिलिंग स्विमिंग, किसी भी प्रकार का एक्टिविटी अगर हम 45 मिनट्स टू 1 आवर के ड्यूरेशन के लिए भी करते हैं तो उसका हमारा डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर अच्छा असर होने लगता है। मेटाबॉलिज्म अच्छे होने के वजह से इंटेस्टाइन और स्टूल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी अच्छी होने लगती है, और आपका स्टिकी स्टूल का प्रॉब्लम परमानेंटली दूर हो सकता है। और स्टिकी स्टूल के लिए पांचवा उपाय है बिलवादी गुलिका। तो वीडियो के इस पार्ट तक अगर आप रुके हो तो आप समझ चुके होंगे कि मेडिसिन से हमें ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, हमें हमारे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है जिससे कि हमारा ये स्टिकी स्टूल का प्रॉब्लम परमानेंटली दूर हो जाए। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉल्यूशन तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है बिलवादी गुलिका। बेसिकली ये जो गुलिका होती है, ये बिलवादी गुलिका वैद्य रत्नम कंपनी बनाती है, और ये गुलिका में कॉम्बिनेशन है बिल्व, तुलसी, अदरक, उसके साथ साथ सुंठ, मरीच, हरिद्की, पिंपली, ये सारे हर्ब्स की कॉम्बिनेशन वाली ये टैबलेट है। और ये टैबलेट में मेन इंग्रेडिएंट बिल्व होने के वजह से इसको नाम दिया है बिलवादी गुलिका। ये टैबलेट का प्रयोग अगर हम स्टिकी स्टूल में करते हैं तो उससे हमारी स्टूल की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। उसके साथ साथ आपको गैस, पेट में आफरापन होना, एसिडिटी होना, ये सारे भी प्रॉब्लम्स है तो वो भी दूर हो जाती है। और सबसे खास बात बताओ इस गोली के बारे में, ये गोली की कीमत केवल 5 रुपये पर टैबलेट है। इतनी सस्ती गोली इतने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, और उसके वजह से हर कोई क्लास का व्यक्ति इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको स्टिकी स्टूल का प्रॉब्लम है तो आप जरूर बिलवादी गुलिका को ट्राई दीजिए, क्योंकि ये 3 लेवल पर काम करता है। सबसे पहला लेवल, जैसे ही बिलवादी गुलिका हम खाना शुरू करते हैं तो उससे हमारे स्टूल में यानी कि मल में जो एक्सेसिव वाटर कंटेंट होता है, कफ होता है, या फिर उसको स्टिकीनेस आने के लिए जो भी संभाव्य कारण होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उनका रीअब्सॉर्प्शन हमारे शरीर में फिर से चालू होने लगता है, जिससे कि मल जो है वो बंधा हुआ आने लगता है। इसमें दूसरा मैकेनिज्म इसका जो होता है वो करता है इंटेस्टाइन्स के ऊपर। इंटेस्टाइन्स के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने के वजह से हमें बार बार टॉयलेट जाने की संभावना या इच्छा होने रखती है। तो बिलवादी गुलिका के प्रयोग के वजह से इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टॉप नहीं होती, रेगुलराइज होने लगती है, जिससे कि आपको ठराविक टाइम के बाद ही मोशन आएगा, और मोशन जैसे ही पास हो जाएगा आपको सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देता है। और इसका तीसरा मेन कंसेप्ट ये होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में, चाहे वो छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, इनमें फंसे हुए कुछ मल जो सड़ जाते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसमें होने वाले तुलसी और इतर द्रव्यों के वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। वो अपाचित जो मल होता है, जैसे ही वो डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे टॉक्सिन्स जो होते हैं आयुर्वेद के अनुसार दूषी विष और गर्विष, उनको
कहलाता है तो वो शरीर से बाहर निकलने लगता है और हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम पूरी तरह से एक प्रकार से डिटॉक्स होने लगता है। जैसे ही आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम डिटॉक्स होने लगेगा या हो जाएगा, आपका स्टिकी स्टूल का प्रॉब्लम, मल में दुर्गंधि आ जाना, गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर हो सकते हैं। लेकिन इस बिल्वादी गुलिका का प्रयोग करते समय आपको कैसे करना चाहिए? आपको एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाने के बाद लेनी चाहिए और इसको लेते समय आपको जीरा के पानी के साथ इसको लेना चाहिए। यानी कि दो चुटकी हमें जीरा लेना है और लगभग 200 ml पानी में उसको डालना है, उसको अच्छी तरह से उबालना है और ऐसा तैयार किया हुआ जीरा का वाटर बिल्वादी गुलिका को निगलते समय हमें पीना चाहिए। जैसे ही जीरा वाटर के साथ हम बिल्वादी गुलिका का प्रयोग करते हैं तो हमारे स्टिकी स्टूल के ऊपर उसके अगले 1 से 2 सप्ताह में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। तो अगर आपको स्टिकी स्टूल का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो में बताए हुए 4 उपाय और बिल्वादी गुलिका का प्रयोग जरूर कीजिए। इसके बारे में किसी भी प्रकार की शंका होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बिल्वादी गुलिका अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। ऐसे ही आपको पेट के बारे में किसी भी प्रकार की शंका होगी, पेट के बारे में कुछ समस्या होगी और आपको कंसल्टेशन करना चाहिए तो आप हमारे क्लिनिक के टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमली रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।